हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज मैं आप सभी के लिए एक और नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ रिव्यू करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक कैरी बैग जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अनाथों की तरह इधर उधर टेबलों पर पड़े रहते हैं। तो अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए मैंने मंगाया है ये इस कैरी बैग को जिनमें हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले इसको ओपन करके हम देख लेते हैं कि क्या मैं अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इस छोटे से कैरी बैग में रख पाऊँगा या नहीं। तो चलो यार इसको जल्दी से हम कर लेते हैं ओपन। तो ये है एक छोटा सा बैग जिसमें हम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए ना यहाँ पर इसमें लॉक भी लगा रखा है। तो देख लेते हैं क्या इस बैग में हमारे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आ पाते हैं या नहीं। तो यार अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स रखने वाला ये बैग अगर पसंद आए तो इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ पिंड कॉमेंट्स में भी दे दूँगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस डॉक्यूमेंट्स को रखने वाले बैग को आप बाय कर सकते हैं। तो इस बैग को मैंने ऑनलाइन बाय किया है लगभग कुछ 300-350 रुपये में। तो इसका परचेजिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, इस बैग को मैंने ऑनलाइन बाय किया है मात्र कुछ 300-350 रुपये में। तो इसका परचेजिंग लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप वन क्लिक में इस बैग को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट रखने के लिए यहाँ पे सेक्शन दिया गया है। ये देखिए इस प्रकार से हमारे पासपोर्ट आ जाएंगे। इसमें पूरे फैमिली में जितने पासपोर्ट है वो सभी पासपोर्ट आप इस बैग में इजीली रख पाएंगे। और यहाँ पे दी गई है ये पेन रखने की जगह है, यहाँ पे आप पेन रख सकते हैं अपना। तो यार जगह तो काफ़ी दी गई है और बैग की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मुझे लग रही है। काफ़ी सारी पॉकेट्स इसमें दी गई है। तो यार लिटरली मात्र 300-350 रुपये में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैग है ये। डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए काफ़ी काफ़ी जगह है इसमें। गाइज लिटरली बैग की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सभी को जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स मैं देखता हूँ इसमें आ पाता है या नहीं। तो ये है हमारा एक फोल्डर। चलो भाई फोल्डर भी आ गया। यह मेरा एक और फोल्डर जिसमें मैंने अपने सभी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड मैंने इसमें रखे हैं, ये भी आ गया। ये है मेरा एक और फोल्डर। तो यार लिटरली काफ़ी सारे फोल्डर है यहाँ पे। तो यार ये सभी मेरे डॉक्यूमेंट्स ना अनाथों की तरह टेबल पे ऐसे ही पड़े रहते थे। घर वालों ने भी काफ़ी बोला है थोड़ा संभाल के मैं थोड़ा सवार के मैं रखूँ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। तो यार मैंने ये बैग खरीदा है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए और मैं देख पा रहा हूँ लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आ गए हैं। अभी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं रख लेता हूँ। ओ भाई साहब लिटरली गाइस सारे ही डॉक्यूमेंट्स इसमें आ चुके हैं। मुझे लग नहीं रहा था कि क्योंकि ये बैग ना बहुत छोटा था देखने में, जब मैं ऑनलाइन बाय कर रहा था देखने में काफ़ी छोटा लग रहा था, साइज़ भी काफ़ी कम था। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे सारे ही डॉक्यूमेंट इसमें आ चुके हैं। वाओ गाइस वाओ 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 वाओ, अभी भी इसमें काफ़ी सारी जगह बची है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इस बैग के अंदर आ गए हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो वीडियो को शुरुआत में देखा था जो अनाथों की तरह पड़े थे सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ चुके हैं।
अब देख सकते हैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें रखा है, सारे के सारे इस बैग में आ गए। तो यार बहुत बढ़िया बैग है ये, और अभी भी देख सकते हो यार काफ़ी सारी जगह इसमें बाकी है। इसमें भी इस वाले सेक्शन में भी काफ़ी स्पेस अभी बचा है। तो मैं चेन बंद करके आपको दिखा देता हूँ। गाइज आई एम नॉट लाइंग, सच्ची में बहुत ही कमाल का बैग है यार ये, बहुत ही कमाल का बैग है ये। ये देखो भाई लॉक लग गया, यहाँ पे आप पासवर्ड भी अपना सेट कर सकते हैं। पहले आपने देखा था मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे अनाथों की तरह टेबल पर बिखरे पड़े हुए थे, और अब देखो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ चुके हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया बैग है यार ये, मात्र 300-350 रुपये में मैंने इसको कुछ बाय किया है, 300-350 रुपये के बीच में कुछ प्राइस थी इसकी। तो यार अगर आप भी इस लाजवाब बैग को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इसका परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूँगा। उस लिंक की मदद से आप इस डॉक्यूमेंट्स को रखने वाले बैग को वन क्लिक में बाय कर सकते हैं। गाइस सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई प्रमोशनल वीडियो ये नहीं है, मैंने खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैंने इस बैग को बाय किया है। सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये बैग है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और स्टिचेस भी आप देखेंगे स्टिचेस की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया इसमें करी गई है। तो यार लिटरली 300-350 रुपये में मुझे ये बैग मिल गया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। और अभी भी इस बैग के अंदर काफ़ी सारा स्पेस जो है वो बाकी है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़्यादा रखने के लिए। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो भी आप इस बैग को रख सकते हैं, इसमें आप अपना पासपोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं, और सेफ़ भी है यार। देख लो पूरा चेन लगा के पूरा ये लॉक हो गया है, ठीक है, आपको अलग से लॉक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही लॉक दिया गया है। काफ़ी बढ़िया बैग है यार। तो अगर आपको ये बैग अगर आपको पसंद आया हो तो इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस बैग को बाय कर सकते हैं। ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया है यार उठाने के लिए, यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी पकड़ के इसको उठा सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कॉमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है, और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।